वहीं मध्य प्रदेश के चुनाव में विदिशा सीट का खास स्थान रहा। कारण है यहां के प्रत्याशी। बीजेपी ने यहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया, तो वहीं कांग्रेस ने प्रताप भानु शर्मा पर दाव लगाया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के किले को फतह कर लिया है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रतिद्वंदी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रताप भानु शर्मा को 8 लाख से अधिक मतों से हराकर विजयी प्राप्त की। वहीं मतगणना संपन्न होने के बाद संसदीय क्षेत्र 18 विदिशा के रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद दुबे ने विजय उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। वहीं आपको बता दें कि विदिशा संसदीय क्षेत्र से कुल 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे।